बंद नहीं हुआ था, बड़े से मिल गया लोग के तो रिंग हो रहा वहां से काफी दूर। उधर नौटंकी कर रहा था मैडम, यही सब नाम ले रहा था, ये लोग नाम ले रहा था, ये उसका नाम ले रहा था, ये गया है क्या देखने के लिए? ले जाकर फेंक दिया था मैडम, वहाँ नहीं था पीओ पर। कौन फेंक दिया था? वो जाकर तोड़ दिया था, आगे फेंक दिया था पुल के नीचे, मोबाइल संयोग से खुला था मैडम, लोकेशन भी ये कर दे दिया, इसलिए खोज क्यों निकाला था? उसी में आया होगा फोन, कौन फोन किया था? मुंगेर जिला के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में मुकेश चौरसिया हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विगत 4 जून को ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में मुकेश चौरसिया नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। पुलिस ने इस हत्या को चुनौती के तौर पर लिया था और तत्काल छापामारी शुरू की गई थी सदर एसपी के नेतृत्व में। छापामारी दल में एएसपी हरिशंकर कुमार, जमालपुर सर्कल इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह, एसआईयू प्रभारी विनय सिंह, कासिम बाजार थानाध्यक्ष शैलेश कुमार, ईस्ट कॉलोनी थानाध्यक्ष मोरेंद्र कुमार, जमालपुर थानाध्यक्ष रंजन कुमार के अलावा जिला आसूचना इकाई के भी लोग शामिल थे। मुकेश चौरसिया हत्याकांड के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त गौतम शर्मा और सुमन प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है। सुमन प्रकाश और गौतम शर्मा का मुकेश चौरसिया से विवाद चल रहा था। सुमन प्रकाश और गौतम शर्मा ईस्ट कॉलोनी थाना अंतर्गत नया गांव के रहने वाले हैं और दोनों की निशानदेही पर जमालपुर थाना क्षेत्र के छोटी दौलतपुर में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान रॉबिन राज और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। रॉबिन राज और राहुल कुमार के घर हत्या में प्रयुक्त हथियारों को बरामद किया गया है। मुकेश चौरसिया को कुल 4 गोलियां मारी गई थी और 4 देसी कट्टा का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त 4 हथियारों को बरामद कर लिया है। सुमन प्रकाश और गौतम शर्मा के पास से भी 2 देसी कट्टा बरामद किए गए। उधर नौटंकी कर रहा था मैडम, यही सब नाम ले रहा था, ये लोग नाम ले रहा था, ये उसका नाम ले रहा था, ये गया है क्या देखने के लिए? ले जाकर फेंक दिया था मैडम, वहाँ नहीं था पीओ पर। कौन फेंक दिया था? जाकर तोड़ दिया था, आगे फेंक दिया था पुल के नीचे, मोबाइल संयोग से खुला था मैडम, लोकेशन भी ये कर दे दिया, इसलिए खोज क्यों निकाला? उसी में आया होगा फोन, कौन फोन किया था इसको? सुमन।